कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी भी आलोचना करें, लेकिन कम से कम देश की सेना के पराक्रम पर संदेह पर उनका मनोबल न गिराएं, ये बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने नदौन विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान जलाड़ी, जोलसप्पड़, कश्मीर, लंजियाना आदि जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही। कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो हमारी जितनी चाहे आलोचना खुले मन से करें, लेकिन कम से कम देश की सेना के पराक्रम पर संदेह का उनका मनोबल मत गिराओ, यह बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने नदौन विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान जलाड़ी, हथौल, गौना, जोलसप्पड़, कश्मीर, लंजियाना में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मोदी ने साहस दिखाते हुए उरी वो पुलवामा के हमले का जवाब देने के लिए सेना को फ्री हैंड दिया था, तभी सर्जिकल स्ट्राइक कर सेना ने शहादतों का बदला ले लिया, जिसकी सिवाय विपक्षी दलों के देश व विदेशों ने सराहना की है और खुद की सरकारों के शासनकाल में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। धूमल ने कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी मोदी के पीछे दौड़ रही है, देश ही नहीं रशिया के प्रधानमंत्री पुतिन भी ये जानते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहा है, इसलिए पुतिन ने सितंबर में रशिया में होने वाले एक बड़े कार्यक्रम का निमंत्रण नरेंद्र मोदी को दे दिया है। एचआरटीसी के वाइस चेयरमैन विजय अग्निहोत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर ने सराहनीय कार्य कर हमीरपुर का ही नहीं प्रदेश पर कभी नाम रोशन किया है, मजदूरों को पेंशन की योजना शुरू की गई है, सामाजिक समरसता और पिछड़ों के हक के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में अथाह विकास हुआ है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों में रणबीर सिंह सहित कई लोगों ने भाजपा का दामन थामा है। इस अवसर पर राकेश ठाकुर, बीडीसी चेयरमैन विनोद पठानिया, ठाकुर भवानी सिंह, ठाकुर रघुवीर सिंह, पवन शर्मा, सुरेंद्र छिंदा, विजय शर्मा, डॉक्टर अशोक शर्मा, चौधरी चंदूलाल, प्रभात चौधरी, डॉक्टर नरेश ठाकुर, राजकुमार वर्मा, राजेंद्र मंडियाल, विजय शर्मा, राजेंद्र पटेल, महेंद्र सिंह, केसी परवाना, कृपाल सिंह, राकेश सोनी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।